चलिए गाइस, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनरोल्ड एजेंट में एक नया टॉपिक, प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जब एक इनरोल्ड एजेंट अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स से रिलेटेड, फेडरल टैक्स से रिलेटेड, तो उसको क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लाइंट के बिहाफ पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे हियरिंग में जाना पड़ता है, अगर किसी प्रकार का कोई टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट है टैक्स ऑफिसर और क्लाइंट के बीच में, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करें। तो बेसिकली आज हम एक सर्कुलर पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर 230 रेगुलेशन गवर्निंग प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस। जैसे देखिए, इंडिया में जो टैक्स की बॉडी है उसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से अमेरिका की जो टैक्स बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, आईआरएस बोलते हैं। तो जब एक इनरोल्ड एजेंट क्लाइंट को प्रैक्टिस से रिलेटेड, मतलब क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर कौन से क्लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उस क्लॉज को ही आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो सर्कुलर 230 के रिस्पेक्ट में है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सर एक्चुअल में प्रैक्टिस किसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है, प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस इज रिप्रेजेंटेशन टू द आईआरएस और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय। इसका मतलब आईआरएस के किसी एम्प्लॉय या ऑफिसर को कोई प्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना। अब सर किस प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अब आप सोचिए। मान के चलिए क्लाइंट के बिहाफ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो वो क्या है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन तो है। मान के चलिए क्लाइंट ने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है और उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन हुआ है। अब क्लाइंट ने उसके ऊपर जो टैक्स भरा है, डिपार्टमेंट को लगता है, आईआरएस को लगता है कि ये टैक्स कम भरा है, तो इनके बीच में एक हियरिंग होगी, हियरिंग होगी। तो हियरिंग से रिलेटेड टास्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन विद आईआरएस फॉर टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के बिहाफ पे आईआरएस के साथ में कम्युनिकेशन करना प्रैक्टिस के डेफिनेशन में आता है। रेंडरिंग रिटन एडवाइस विथ रिस्पेक्ट टू एनी एंटिटी। अब सर एक कंपनी है, कंपनी मान के चलिए किसी कोई टेक ओवर कर रही है या मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, तो इस मर्जर एंड एक्विजिशन के कारण कहीं ना कहीं कोई टैक्स के क्लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं, कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकते हैं, कोई ट्रांसफर प्राइजिंग से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। अब हो सकता है आपके लिए ये ट्रांसफर प्राइजिंग वर्ड नया हो, तो यहां पे इसीलिए लिखा है रिटन एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू एंटिटी। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, कुछ अपने शेयर्स दे रही है, कुछ अपनी एसेट्स को सोल्ड आउट कर रही है, तो उसके कारण कोई प्रॉफिट हो सकता है, तो उसके कोई ना कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो इससे रिलेटेड एडवाइस जो दी जा रही है वो भी हम प्रैक्टिस की डेफिनेशन में कवर करते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग ए टैक्स पेयर ऑफ कॉन्फ्रेंस हियरिंग्स मीटिंग विद द आईआरएस। अब सोचिए आज वर्चुअल वर्ल्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस होना हो, तो आप कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोई जूम मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आईआरएस के साथ में टैक्स पेयर के बिहाफ पर किसी भी प्रकार का कोई हियरिंग होना, कोई रिप्रेजेंटेशन देना, ये क्या कहलाता है, आपका प्रैक्टिस की डेफिनेशन में कहलाता है। और लास्ट रिप्रेजेंटिंग टैक्स पेयर कॉन्फ्रेंस हियरिंग और मीटिंग्स विद दी, वो सेम मेंशन हो गया। तो ये सारी प्रैक्टिस है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं कि किसको प्रैक्टिस नहीं माना जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीज प्रैक्टिस की डेफिनेशन में कवर नहीं। एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में अगर कोई चीज पूछे तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक एक करके। अब बोर्ड पे आपको देखने को मिल रहा होगा, प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न एन अमेंडेड रिटर्न और क्लेम ऑफ रिफंड। अब इसका ये मतलब हुआ सर कि इंडिविजुअल के लिए आप कौन सा रिटर्न फाइल करते हैं, 1040। तो रिटर्न को प्रिपेयर करना टैक्स प्रैक्टिस की सर्विस नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, ये भी तो एक हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, यहाँ पे भी एक कॉम्पिटेंसी नॉलेज की ज़रूरत होगी। तो एक बात याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं आईआरएस के प्रोविज़न कोड पढ़ रहे हैं, आईआरएस कोड पढ़ रहे हैं, तो जो बात रूल में मेंशन है ना बेटा,
उसको आपने एज इट इज फॉलो करना। मतलब अगर आपको प्रोविजन में स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब आपने कोई रिटर्न पहले से फाइल कर दिया था उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स हो गई उसका करेक्शन, तो जब स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि प्रिपेयरिंग ए टैक्स रिटर्न अमेंडमेंट रिटर्न और क्लेम फॉर रिफंड नॉट कंसीडर एज ए प्रैक्टिस, तो इसको आपने ध्यान रखना। फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ IRS, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई स्टूडेंट को लगता है कि सर इंफॉर्मेशन फर्निश करना वो भी तो प्रैक्टिस है, लेकिन देखिए यहां पे एक बात मेंशन है अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ IRS। जैसे मान के चलिए एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने किसी पार्टनर को लोन दिया है, अब IRS का नोटिस आता है पार्टनरशिप फर्म के पास कि आपने जो भी लोन दिया है उसका हमें एक पूरा स्केड्यूल बना के भेजिए कि लोन कितना आउटस्टैंडिंग था, आपने आपके पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया। तो यहां पर आप एक बात नोटिस कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, सर ये इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहा IRS। तो जब IRS किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करता है तो उसको प्रैक्टिस की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो दो बातें हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं किसको प्रैक्टिस कंसीडर नहीं किया जाता, डू नॉट कंस्टिट्यूट, तो उसमें हमने दो बात करी प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न और फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द IRS। चलिए सो अब अगली हम जो डिस्कस कर रहे हैं हु में प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एज ए स्टूडेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनरोल्ड एजेंट के इस प्रोफेशन को आप पास कर लेते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिलता है, और ये कोई छोटा मोटा लाइसेंस नहीं है, इट इज हाईएस्ट क्रेडेंशियल ऑफ अमेरिका, टैक्स का हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल। तो इस क्लॉज में हम पढ़ने वाले हैं कि सर प्रैक्टिस कौन कर सकता है। जैसे आप सभी जानते होंगे इंडिया में जनरली प्रैक्टिस कौन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, इनकम टैक्स वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी करते हैं लॉ से रिलेटेड, और उसके बाद ICWA कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसी तरीके से अमेरिका में भी टैक्स की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लोगों को स्पेसिफाइड किया गया, तो उनका अब हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने एक बोर्ड पे आप थोड़ा सा याद रख सकें इसलिए इसको एक मेमोरी टेक्निक्स में बनाया है। तो सबसे पहले अटॉर्नी, अटॉर्नी मतलब लॉयर जिस जो कि बार काउंसलिंग के द्वारा बिल्कुल अथोराइज हो, तो एक अटॉर्नी प्रैक्टिस कर सकता है। इनरोल्ड एजेंट तो डेफिनेटली जब हम कोर्स पढ़ रहे हैं तो इनरोल्ड एजेंट के पास तो पावर है ही कि वो भी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, मतलब सोचिए CPA को भी पावर है और EA को भी पावर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि EA प्रोफेशन को छोटा मत समझिए आप, एक बहुत ही हाईएस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है ये। तो CPA को पावर है, इनरोल्ड एजेंट को पावर है, और कुछ अन इनरोल्ड इंडिविजुअल इफ स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली परमिटेड। क्या होता है कि देखिए अमेरिका में जब रिटर्न की डेट्स आती है तो बहुत सारे लोग जिनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी क्या करते हैं, रिटर्न से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए उनको कोई AFSP की एक एग्जाम होती है, उनके एक प्रोग्राम होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इनको हम अन इनरोल्ड इंडिविजुअल बोल रहे हैं जिसको कि स्पेसिफिक परमिशन मिल जाएगी। सर CPA EA और अटर्नी को कोई स्पेसिफिक परमिशन नहीं लेना। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे AFSP बोला है कि ये जैसे हमारे इंडिया में भी देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी तो बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वो TRP बोलते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स बोलते हैं, तो इसी तरीके से AFSP भी होते हैं। उसके बाद इनरोल्ड रिटायरमेंट प्लान एजेंट, जो रिटायरमेंट से रिलेटेड LIC वगैरह जैसे हमारे इंडिया में एजेंट्स होते हैं ना, उसी तरीके वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं इनरोल्ड रिटायरमेंट प्लान एजेंट फॉर लिमिटेड पर्पस। एक्चुअरियल इनरोल्ड एक्चुरीज फॉर लिमिटेड पर्पस, जैसे पेरोल से रिलेटेड टास्क टेक केयर करते हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपकी क्या ग्रेजुएटी बनेगी, क्या पोस्ट रिटायरमेंट प्लान होंगे, तो उसके स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको एक लिमिटेड पर्पस के लिए अलाउ किया गया है प्रैक्टिस करना, कुछ स्पेसिफाइड पर्पस जो हमारे कोर्स के बियॉन्ड है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर अटॉर्नी, इनरोल्ड एजेंट, CPA, इनके अलावा बाकी सबको पावर तो है
बट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, और इनको सारे पर्पस के लिए, सीपीए, ईए और अटॉर्नी को पूरी पावर दी गई, कोई लिमिटेड पर्पस की पावर नहीं दी गई है। मतलब अगर इनके पास नॉलेज है तो ये क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं कि इनरोल्ड एजेंट कौन होगा। अब आपको लगेगा कि सर सभी इनरोल्ड एजेंट जिसने एग्जाम पास कर ली, तो यहां पे कुछ डेफिनेशन है उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो मैं कुछ चीजें इसमें मार्क करने वाला हूं। इनरोल्ड एजेंट इज ए इंडिविजुअल, सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडिविजुअल को मैंने हाईलाइट कर दिया। मतलब सर कोई कंपनी इनरोल्ड एजेंट नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, इंडिविजुअल ही इनरोल्ड एजेंट हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनरोल्ड एजेंट कौन होगा। तो एक कॉरपोरेशन नहीं हो सकती इनरोल्ड एजेंट अदर देन अटर्नी और सीपीए। सीपीए तो अपने आप में एक अलग डेजिग्नेशन है, अटर्नी भी अपने आप में एक डेजिग्नेशन है। हु इज एलिजिबल क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड एज ए ऑथोराइज टू रिप्रेजेंट अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर दी, मतलब जिसको ऑथोराइज हो। देखिए कोई ऐसा कंडक्ट आप मत कर दें जिससे कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप अथोराइज हैं, सीपीए नहीं है, अटॉर्नी नहीं है, तो आप इनरोल्ड एजेंट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है, इज रिकॉग्नाइज्ड टू प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस एंड प्रेजेंट सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिफिकेशन, उसको अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी। अब हमारे इंडिया में भी तो पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, तो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए ना। तो इसी तरीके से ईए के लिए भी ये बोला गया है कि एक इंडिविजुअल होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, और उसको परमिशन मिली गई हो, सर्टिफाइड एंड ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट बिफोर द आईआरएस। उसके बाद कुछ और क्लॉजेस मेंशन किए हैं, रिकॉग्निशन मस्ट बी एविडेंस व्हेन द इनरोल्ड एजेंट अपीयर फॉर द इनिशियल मीटिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे कि आप सामने वाले को ये बता सकें कि यस आई एम इनरोल्ड एजेंट और मेरे पास इस बात की क्या है, अथोराइज रिटर्न में परमिशन है कि मैं क्लाइंट को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लाइंट से एक डिक्लेरेशन ले लेंगे, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्लॉज कि सर एलिजिबिलिटी कैसे, तो ओनली नेचुरल पर्सन मे बी बिफोर इनरोल, यूएस सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया में इतने सारे लोग, नॉट ओनली इन द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो सर इनरोल्ड एजेंट बनने के लिए आपको यूएस सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ एलिजिबिलिटी दे रखी, कंडक्ट इनरोलमेंट इज प्रिक्लूड फ्रॉम एनी कंडक्ट दैट जस्टिफाइज सस्पेंशन। अब देखिए आपने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दी, कोई वॉयलेशन ऑफ एक्ट कर दिया, मतलब आपने कोई क्राइम कर दिया, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको कन्विक्शन हो गया, तो अगर कोई, क्योंकि एक वाइट कॉलर प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तो अगर कोई ऐसा कंडक्ट आप कर देते हैं जिससे कि आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफाइड मना कर दिया गया, तब आप इनरोल्ड एजेंट नहीं बन सकते।